Hey guys, Assalamualaikum, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल What is up? तो आज का दिन है ट्यूसडे और दोपहर के बज रहे 3:30। बनाना मिल्क और हनी का ब्लेंड बनाया मैं। चीज अच्छा बना, टेस्टी है। कहीं अगर शूटिंग पे गए अपन या कहीं ट्रैवल करने भी गए, ये ब्लेंडर लेके चले गए तो अपना अपन फ्रूट्स ले के काट लेके इसमें डाल लेके जूस बना लेके पी सकते। एक बार चार्ज करे तो 15 जूसा बन रहे हैं इसमें। वो खुद ही ऑन होता और पूरा जूस बनने के बाद खुद ही ऑफ हो जाता। शायद ये वीडियो का बहुत सारे लोगों को इंतजार था, बिकॉज जो भी मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ उसके नीचे भाई वार्डरोब रूम दिखाओ 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 बना रहे, बोले क्या हुआ भाई दिखाओ बना रहे ना, आप तो भी दिखाते यार ये वो बोल के कमेंट्स मार रहे। खैर, हियर इट इज। जिस चीज का इंतजार था वो आज होने वाली है। आप लोग का मेरा वार्डरोब रूम देखने वाले है, कितने खर्चा हुए पैसे वो भी बोल दो आप। लेट्स गो। नहीं नहीं नहीं, अब बिश नहीं। नया वार्डरोब रूम दिखाने से पहले अपना एक नया सीटीएम स्किन केयर रूटीन के बारे में आप लोगों को दिखा दूं। सीटीएम के माने क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। अपने में से स्मूथ स्किन किसको नहीं पसंद, बोलो? सब लोगों को पसंद, मगर अपन जो है सन को ज्यादा टाइम एक्सपोज होके लाइफ स्टाइल चेंजेस, जेनेटिक्स, ये वो चीजों की वजह से जो है अपने को ओपन पोर्स होते हैं। ग्रीन टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसमें ना सिर्फ हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है, उसके साथ साथ बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी जो है मेंटेन करने में हेल्प करता। अगर अपने स्किन पे अप्लाई करे तो ओपन पोर्स को भगा देता, साथ में एक यूथफुल ग्लो देता स्किन पे। मगर वो पत्तों को बॉईल करके कूल हुए तक रुक के उसके बाद में अपने फेस पे अप्लाई करने में ये जो है बड़ा टास्क बन जाता। क्विकर एंड स्मार्टर सॉल्यूशन मामाअर्थ ग्रीन टी रेन। ये है मामाअर्थ ग्रीन टी फेस वॉश, मामाअर्थ ग्रीन टी फेस टोनर और मामाअर्थ ग्रीन टी डे क्रीम। इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है? ग्रीन टी और कोलेजन। ग्रीन टी इंप्यूरिटीज को रिमूव करता, फ्री रेडिकल डैमेज को फाइट करता। कोलेजन जो है हाइड्रेशन और स्किन इलास्टिसिटी को बूस्ट करता। सबसे पहले मैं ग्रीन टी फेस वॉश यूज कर रहा हूं, जिसके साथ आता है एक सिलिकॉन वाला ब्रश। मुंह कच्चा कर के पंप करके इससे जो है अप्लाई करके लाइट मसाज देके मुंह धो लेना। इसको जो है फेस वॉश करने के बाद लगाना, डायरेक्टली अपने फेस पे और नेक पे स्प्रे कर लेना, कॉटन पैड से जेंटली डैप करना। एट लास्ट मॉइस्चराइजिंग के लिए ग्रीन टी डे क्रीम जेनरस अमाउंट में ले लेके फेस पे लगा के लाइट मसाज कर लेना। इनके फायदे क्या है? फेस पे जो पोर्स का अपीयरेंस है उसको मिनिमाइज करता, स्किन को स्मूथ और हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता। मामाअर्थ ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। गुडनेस डजंट जस्ट लाइन द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो द वैल्यूज दे स्टैंड फॉर। व्हेनेवर यू बाय फ्रॉम देम दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अट्री दैट दे प्लान। एंड मामाअर्थ का ऐप लॉन्च हुआ iOS पे, एंड्रॉइड पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करो। इफ इन केस ये प्रोडक्ट्स खरीदना चाहे तो मामाअर्थ के ऐप या वेबसाइट से खरीदो, यूज माई कूपन कोड Nabeel2022 टू गेट 20% ऑफ डिस्काउंट। गाइस कम नहीं, अब रुकना नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दरवाजा लगा देता हूँ मैं। 3, 2, 1। ये है हमारा लंबा आईना, 7.5 feet। मैं 5'11" का हूँ। ये 7.5 बोले तो ग्रेट खली के सामने मैं ठहरे था। देखा आईने के अतराफ से मैं जो है प्रोफाइल लाइट लगाया और वो जो है अमेजोन पे से वो पत्ते मंगा के उसके ऊपर डाल दिया, अच्छा दिख रहा बोल के। ये पूरा खाली कमरा था, ये हम लोग एक्चुअली थिएटर रूम बनाने के लिए छोड़े, बट बनाए नहीं, बस कुछ स्टोर रूम के जैसा यूज कर रहे थे। तो वैसा जो है ये रूम को बना ले सकते ना, बल्कि मेरे को आइडिया आया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर से जो है मैं PVC कराया, 6 lights फिक्स कराया। और अगर ये लाइट्स डालने का मन नहीं है, दूसरी लाइट लगा के वीडियो बनाना है, तो सिर्फ ये आईने की लाइट और पीछे जो शू वाला कबर्ड है उसकी लाइट डाल के अपन जो है यूज कर ले सकते हैं ये रूम, रील्स वील्स बनाने, फोटोज वोटोज उतरने। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक छोटी रैक है जिसपे मेरे जो है जैकेट्स लटक रहे हैं। ये जो है पर्पल वाली नई जैकेट है मेरी, डेनिम की स्लीवलेस। पार्टी शॉटी अवार्ड्स फंक्शन या किधर भी चले गए मस्त टेलीविजन के कोई प्रोग्राम में, तो ये अपन पहन के जा सकते। अभी यहाँ पे जितने भी जैकेट्स है ये सब जैकेट्स में दिल चुराए सो जैकेट है मेरी ये। तो ये 2 cupboards बनाने लगाया मैं हैदराबाद से, एक एक कबर्ड 6 लोग उठाए, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर लाने के लिए बहुत 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 मेहनत लगी। पूरा नया स्टॉक है ये कबर्ड में और ये कबर्ड में पूरा पुराना स्टॉक है। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये जैकेट्स हैं, ये भी ज़ारा की है, ज़ारा की है, ज़ारा की है, ये शीन की है, ज़ारा की है, रॉन की है, फिर ज़ारा की है, ज़ारा की है, ज़ारा की, आधे के आधे कपड़े मेरे पूरे ज़ारा के हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परसों जो केरला से मंगाया वो पूरे यहाँ पे रख दिया। तो इसमें मैं सिर्फ लॉन्ग कोट्स रखा, सिर्फ एक जो है केबल निट जंपर है H&M का, बहुत पसंद आया ये मेरे को, ये ओवरसाइज्ड है, क्वालिटी भी इसकी जो है बहुत अच्छी है। तो अब आ रहा ना नवंबर दिसंबर, मस्त पहन सकते कपड़े। ये बादशाह के एक म्यूजिक वीडियो में देख के मंगाया था मैं,
जिसको मैं अब तक पहना नहीं, टाइम आएगा तो जब पहनेंगे मिलके रखा। ये आप लोग देख सकते, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। नीचे के कॉलम में कुछ नए जीन्स और ट्राउजर्स रखा हुआ है, टी शर्ट्स है, नए टी शर्ट्स भी इसमें से रख दिया मैं, जो कि कैजुअल वेयर है एकदम। ये पूरे शर्ट्स है अंदर पहनने के, स्लीवलेस, इधर थोड़े कोर्ड्स है, यहाँ पे कुछ हुडीज है, रोज पहनने के कपड़े है, जैसा बोले वैसा अपन पटक ले सकते हैं इसमें। और यहाँ पे जो है ये कबर्ड में पूरे मेरे चश्मे हैं, 35 से 40 मेरे पास में जो है शेड्स है, सनग्लासेस है, ट्रांसपेरेंट वाले है। जो गलती करा बोल के मैं आप लोगों को बोला वो यही है कि यहाँ पे एक्चुअली पूरा कबर्ड बनाने का प्लान था, ऐसा 3 कबर्ड्स बनाने का प्लान था, बट खर्चा थोड़ा ज्यादा आ रहा था। इतने पैसे मैं सिर्फ कपड़े रखने के लिए क्यों खर्च करूं बोल के सोच के थोड़ा होशियारी का काम करेंगे। ये 2 कबर्ड्स मंगाया मैं हैदराबाद से, बट उतना ही खर्चा हुआ उस वो मंगाने के बाद। ये पूरा कमरा मैं बनाने लगाया तब समझ में आया, थोड़े ज्यादा पैसे डाल के सिर्फ वो एक दीवार पे तो भी कबर्ड्स बनाने लगाना था बोल के ख्याल आया, बट दैट्स ओके। अब कुछ महीनों तक अपन जो है इसको यूज कर सकते, उसके बाद में ये हटा के कबर्ड्स बनाने लगा के उसमें कपड़े अपन रख सकते। और इधर आप लोग देख सकते एक ट्रॉली है जिसके अंदर कैबिन्स है, सबसे ऊपर मैं वॉचेस रखा तो इसको ऐसा जमा के रखा मैं, देख के कोसी वॉच अच्छी दिख रही है, मिलके अपन जो है लगा लेके चल जा सकते। और ये सेकंड वाले कॉलम में मैं जो है परफ्यूम्स रखा, ये निशाने परफ्यूम है, ये जो है मेरी नई वाली परफ्यूम है ट्रूडी ब्लू लंदन लूपस 1006 है इसका नाम। इसकी पैकिंग भी बहुत डिसेंट है, देखो ऐसा दिखता है बॉटल। और ये जॉन पॉल गॉटिया अल्ट्रा मेल क्रेजी परफ्यूम है, एकदम सेक्सी परफ्यूम है, ये 200 ml की है और इसका प्राइस 12,500 है। ये अल हरमेन परफ्यूम्स की भी एक परफ्यूम है मेरे पास, जुम्मे जुम्मे को कुर्ता पहन के ये स्प्रे कर लेके जाता हूं। ये हेयर ड्रायर है, कोम है, ये बेल्ट है और एक भी बेल्ट है। ये रहा फैन, शूटिंग पे कैरी करने के लिए मंगाया मैं। ये फैन 26 kmph एयर प्रोड्यूस करता, और तो शूज अपन पेन के फिर वापस ला के क्लीन करने के लिए, और एक किट भी है बाहर। और ये आप लोग देख सकते हैं शू क्लीनिंग सॉल्यूशन है ये, 200 and 250 ml पानी में जो है सिर्फ 1-2-3 बार ऐसा डाल के जो है ब्रशेस को डिप करके अपन जो है शूज क्लीन कर लेके एक अच्छे कॉटन फाइबर वाले क्लॉथ से क्लीन करके फिर ब्रश करके अपन जो है शूज रख दे सकते। यूजुअली एक आईना रहेगा, आईने में से अच्छा व्यू रहा और इधर साइड पे ब्लाइंड लगाए तो अच्छा दिखता, मगर सिर्फ खिड़की नहीं दिखना बोल के वीडियोस थे वक्त पीछे थोड़ा क्लास दिखना, पॉश दिखना बोल के मैं ये ब्लाइंड लगाया। इधर एक ब्लाइंड है और इधर भी एक ब्लाइंड है। ये दीवार पे ब्लाइंड्स और मिरर सब चीजें फिक्स करने के बाद अब ये दीवार को अगर हम लोग पेंट करेंगे तो वो पेंट इस पे उस पे गिरता, नीचे भी गिरा तो रूम खराब होता, बल्कि मैं जो है ये वॉलपेपर कराया, स्काई ब्लू कलर में है, एक अलग सा प्लेन टेक्सचर है, नीचे जो है एक छोटी कारपेट डाला मैं, सो अगर फोटो वोटो अपन ले रहे तो अच्छा दिखता। तंग आ गए, बैठ के शूज वूज पोछ ले भी सकते। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके पीछे जो है शू रैक है जिसके अंदर सिर्फ थोड़े शूज है अभी के लिए तो फिलहाल। मतलब जितने भी अच्छे शूज है जो अब पहनने लायक है जो अब मेरे पास है वो मैं इसमें रखा, और भी शूज मेरे को कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके ये पूरा भर दो और उसमें से फिर गंदे शूज निकाल के सिर्फ बेस्ट 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 ऑफ द बेस्टेस्ट शूज अपने को रखने का यहाँ प्लान है। ये बनाने के लिए 3 दिन लगे, फर्स्ट डे लोग आके बेस बनाए, उसके बाद में वो लकड़ी वकड़ी चिपकाए, फिर मेजरमेंट लिए, वो तकरीबन मेरा 1 हफ्ता इसमें लग गया था। जैसे इलेक्ट्रिशियन के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, मालूम अपन ठहरने की जरूरी नहीं है, उन लोगों का काम उन लोगों का कर लेते, बट काम अगर गलत गया तो कहीं को बोल के मैं ठहर के जो है करा लिया। इसके अंदर LED स्ट्रिप्स का कनेक्शन दिए तो शूज एकदम वार्म व्हाइट लाइट में चमकते रहते, बल्कि हम लोग वो लाइट्स अंदर से जो है कनेक्ट करें। ये जो है 3 feet का पाम ट्री है, ये इसका नीचे का जो पॉट है ये मैं पेपर फ्राई से मंगाया, ये पाम ट्री जो है अमेजोन से मंगाया। अरे भाई इन लोग आर्टिफिशियल प्लांट के नाम पे पैसे लूट ले रहे मालूम, मैं समझा 1000-1500 कितना तो भी रहता हूँ, बट 3 feet का आर्टिफिशियल पाम ट्री जिसके मतलब लीव्स ऐसा थोड़ा सेपरेट होकर रहना बोले तो 3,900, 4,000 मैं मेरी ख्वाहिश पूरी कर लिया, जैसा आप लोगों को मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, दिल में अगर कोई भी चीज आई तो कर देना, सोचना नहीं, कुछ भी करना दिल बोला तो कर देना, तो विच करना दिल बोला मेरे को और कर दिया। और ये कमरे में 2 अलग अलग से वाइब्स है।
मिरर की और शुरैक की लाइट अगर मैं बंद करूं तो ये सिर्फ ऊपर से व्हाइट लाइट्स मार रहे हैं। ये व्हाइट लाइट में अपन स्पेशली कपड़ों की रील शूट कर सकते हैं जिसमें कपड़ों के कलर्स एकदम अभी भी आप लोग देख सकते हैं। ये शर्ट का कलर अच्छा दिख के आते रहता। ये गोल्ड लाइटिंग वाली वाइब है। स्टार होटल्स में गए तो कैसी फील आती, स्टार होटल्स के कमरों में सोए तो कैसी वाइब आती। और सिर्फ एक चीज बची हुई है ये रूम में जिसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, वो है फैन। ये फैन नहीं, मैं एक यूएस का फैन देखा जिसको ऐसा डायरेक्ट सीलिंग में से आके उसके नीचे से ऐसा लाइट्स आके गोल्ड कलर में है। तो एक दो हफ्तों में स्टॉक आता बोले अगर आया तो, मैं तो ऑर्डर दे के मंगा के अपन जो है लगाने लगाना है। टेम्पररीली हमारे रूम का जो पुराना फैन है वो ही लगा हुआ है। इसको बनाने में कितने पैसे हुए वो भी बोलता बोला मैं वीडियो की स्टार्टिंग में, तो तकरीबन 1.5 टू 1.6 लाख रुपीस मैं जो है स्पेंड करा ये रूम बनाने में। अब से हमारा हर व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होगा। मेरे को बहुत इंतजार था बहुत टाइम से कि मैं कब वीडियोस इसमें बनाऊँ, कब रील्स बनाऊँ, कब स्टोरीज पे ऐसे पिक्चर्स डालूँ या कब फोटोज उधर के मैं पोस्ट करूँ इधर, आप लोग को कब दिखाना, कब ये वीडियो बना के डालूँ मैं माई वार्डरोब रूम, बल्कि बहुत इंतजार था। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा दिखा, कैन शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत सारे स्टोरीज फोटोज मैं उधर डालते रहता हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे रील्स भी बना रहा हूं। तो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टर्न ऑन लाइव स्टोरी पोस्ट आईजीटीवी नोटिफिकेशंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।